हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पॉड। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू कंट्रीज ऑन द इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस सीजन्स। तो हमें पता है हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ में ये जो बी एक्सेस होता है अर्थ का, जो इमेजिनरी लाइन होती है अराउंड विच अबाउट विच अर्थ रोटेट्स, राइट। और ये भी पता है कि अर्थ का जो मतलब डायमीटर सॉर्ट ऑफ लाइन होती है सर्कमफेरेंस की तरह, ये बीच में से जो निकलता है, दिस इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। दिस पार्ट ऊपर वाला इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ स्फीयर। अब अर्थ एक स्फीयर है, ये पार्ट आधा स्फीयर है और ये पार्ट आपका आधा स्फीयर है, जो कुछ ऐसा बनेगा। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ए हेमिस्फीयर, राइट। So, यहाँ पे नदन और सदन हेमिस्फीयर में सीजन कैसे आते हैं? सबसे पहले ये बताओ जी, सीजन कैसे आते हैं? देखिए क्या होता है। वी नो ये हमारा सन है, ओके, आई एम राइटिंग एन एस। ये अर्थ की ऑर्बिट, ठीक है। कभी भी ऑर्बिट एक तो ऐसे सर्कल की बनेगी, और हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके हमेशा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, तो हमेशा ऑर्बिट एक ऐसे ओवल की तरह बनेगी, ओके। अब उसके बाद हम अर्थ देखते हैं। अर्थ ऐसी है, ठीक है। ये अर्थ का एक्सिस है एंड दिस इज द अर्थ। एज यू कैन सी, नदर हेमिस्फीयर यहाँ है, सदर हेमिस्फीयर यहाँ है, ठीक है। देखो, नदर हेमिस्फीयर जो है वो बाहर की तरफ हुआ हुआ है, मतलब उसमें सनलाइट कम पड़ेगी कंपेयर टू द सदर हेमिस्फीयर। मतलब नदर हेमिस्फीयर में अभी विंटर है और सदर हेमिस्फीयर में देखो बिल्कुल साथ आया हुआ है। मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, देखो ये बिल्कुल साथ आया हुआ है, ये पार्ट टू सन के। तो मतलब यहाँ पे समर चल रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम नया केस बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने किस मंथ में ये रीडिंग ली थी? दिस वॉज टेकन इन दिसंबर। अब मान लो ये यहाँ आ गया, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा था, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ये है, सी दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। वंस अगेन ये ऐसा हुआ नॉर्थ साउथ। नाउ एज यू कैन सी, देखो नॉर्थ नदर हेमिस्फीयर सन की तरफ हुआ हो, ठीक। ये है आपका वो नदर हेमिस्फीयर सन की तरफ हुआ हुआ है और सदर हेमिस्फीयर बहुत ही दूर है सन की तरफ हुआ हुआ है, लेकिन इतनी पास नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी स्प्रिंग चल रही है, ऑनसेट ऑफ समर भी जिसे कहा जाता है। सदर हेमिस्फीयर, वंस अगेन आई एम यूजिंग ए सेपरेट कलर, देखो बिल्कुल इस तरफ, और सदर हेमिस्फीयर ये रहा बिल्कुल अंदर की तरफ हुआ हुआ है। देखो ये पार्ट जो कलर की है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ हुआ हुआ है। मतलब यहाँ पे अब क्या चल रही है, थोड़े ऑनसेट ऑफ विंटर्स मतलब ऑटम। उसके बाद यहाँ पे अब रोटेट करते करते अर्थ आगे, रिवॉल्व करते हुए, सॉरी, रोटेशन इज अबाउट द एक्सिस, रिवॉल्विंग इज इन द ऑर्बिट। अब रिवॉल्व करते करते अर्थ यहाँ आ गई, ये इक्वेटर। अब देखो ये नदर हेमिस्फीयर सन के बहुत पास है, मतलब यहाँ क्या चल रही है, यहाँ चल रही है समर। और उसके बाद सदर हेमिस्फीयर, अब देखो ये रहा सन से बहुत दूर, यहाँ क्या चल रही है, यहाँ चल रही है अब विंटर, ठीक है। और ये कौन सा मंथ है? दिस इज मार्च, राइट। सॉरी, देखो ये वाला जो है, सी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे है, ये हमने किस मंथ में रीडिंग ली थी? ये रीडिंग ली थी हमने इन मार्च, तो आई राइटिंग इन मार्च। ये रीडिंग ली गई थी इन जून। उसके बाद अब अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ आ गई, वंस अगेन हाफ। सबसे पहले ये है आपका सदर हेमिस्फीयर, ये है आपका नदर हेमिस्फीयर, राइट। दिस इज योर सदर नदर हेमिस्फीयर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दूसरी तरफ हुआ हुआ है, एज इन दूर है पर ज्यादा दूर नहीं।
नहीं है, सनलाइट आएगी. दिस इज योर ऑनसेट ऑफ विंटर, मतलब ऑटम. नाउ फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर, देखो पास है, बहुत पास आ रहा है, मतलब ऑनसेट ऑफ समर विच इज स्प्रिंग. अब आपने कुछ नोटिस किया, जब नदन में विंटर है, सदन में समर है. जब नदर हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो सदर हेमिस्फीयर में ऑटम है, जब नदर हेमिस्फीयर में समर है तो सदर में विंटर, जब नॉर्थ में, अभी मैं नॉर्थ बोल रही हूँ नदन की जगह, जब नॉर्थ में ऑटम है तो साउथ में स्प्रिंग है. तो एज यू कैन सी ये सीजंस बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं. अब बात आती है इक्वेटर की. देखो इस केस में इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है. इस केस में इक्वेटर पे पड़ रही है, पड़ रही है. इस केस में इक्वेटर पे लाइट आ रही है, आ रही है, सनलाइट बिल्कुल आ रही है. इस केस में भी आ रही है, हर बार बिल्कुल सेम एंगल से आ रही है, सेम एंगल ईच टाइम. हर बार अगर सेम एंगल से आ रही है, मतलब इक्वेटर पे ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन बहुत गर्मी है और एक दिन बहुत ठंड हो गई, मतलब कोई सीजन नहीं होगा. ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी अर्थ है ब्लू वे, थोड़ा थोड़ा ग्रीन ओवर हेयर फॉर लैंड, राइट. नाउ आई गो बैक टू आवर ओरिजिनल कलर. ठीक है, थोड़े थोड़े क्लाउड्स भी हो जाएंगे, राइट. अब आप देखो ये अर्थ का एक्सिस है, राइट, और ये अर्थ का इक्वेटर. अब ये जो इक्वेटर है, आप देखो इक्वेटर से ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, जिसमें नाम भी दिए हैं. नॉर्थ पोल को कहते हैं अंटार्कटिका और साउथ पोल को कहते हैं आर्कटिक. सो यहाँ पे क्या है, देखो इक्वेटर पे अलग अलग सीजन इसलिए नहीं, हर बार सेम वो लग रही है, इक्वेटर पे सनलाइट लग रही है एट द सेम एंगल, मतलब यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होगा. तो जो जो कंट्री इक्वेटर पे आती है वहां सीजन नहीं बदलेगा. अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई छोटी सी कंट्री, यहाँ पे कोई छोटी सी कंट्री है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सीजन है वो और एक्सट्रीम हो जाते हैं. यहाँ पे बहुत ना के बराबर इफेक्ट है, इस तरह जाते थे बहुत ज्यादा हो जाएगी. जैसे कुछ मतलब जैसे कुछ जगहें होती है जहां पे विंटर में तो बिल्कुल ही मतलब धूप नहीं आती है, और समर में मतलब रात के 12 बजे तक भी, मिडनाइट तक भी सनी रहता है, बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है ना. जितनी दूर इक्वेटर से जा रहे हैं उतना, इक्वेटर के जितनी पास उतना कम इफेक्ट रहता है वेदर का, राइट. और इक्वेटर पे तो ऑब्वियसली मतलब सीजन का ज्यादा इफेक्ट होता ही नहीं है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अलास्का एक जगह है नदर हेमिस्फीयर में, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में जितना मुझे पता है. सो यहाँ पे क्या होता है, इतना समर में मतलब ऐसा होता है कि रात की 12 बजे मिडनाइट को भी मतलब सनी रहता है. सन क्या करता है, यहाँ 8 बजे, 9, 10, 11, 12 मिनट ये हो रहा है, इधर नीचे गया नहीं, फिर 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning सनसेट होता ही नहीं है. तो मतलब वहां पे मतलब ऐसा नहीं होता कि चल रात हो गई अंधेरे में सोते, सन सन जो है वो सेट होता ही नहीं है, ये होराइजन है, होराइजन के नीचे नहीं जाता है. रात के 12 बजे भी इट इज सनी ने लास्का, तो आप देख लो कितना एक्सट्रीम वेदर है. लास्का होगा यहाँ पे कहीं, तो जितनी दूर हम इक्वेटर से जाते हैं उतना एक्सट्रीम हमारा वेदर होता है. जैसे अलास्का में आपको वहां पे विंटर इतनी होती है कि वहां पे विंटर में ना बर्फ भी होती है, और कई बार सनलाइट हफ्तों तक नहीं आती है, बहुत कम आती है, राइट. सो अगर हमें बताना हो कि ओके व्हाई डू कंट्रीज इन द इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस सीजंस, तो इसका आंसर क्या बना, ये बनिया टू मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि एज ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वेर एवर द अर्थ मे बी इन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में द इक्वेटर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट एट इक्वल एंगल्स, हेंस कंट्रीज एट द इक्वेटर
नॉट एक्सपीरियंस सीजन्स। ठीक है, सीजन्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? ये अर्थ है, एक्सेस होराइजन, टिल्ट रहती है अर्थ। कितना टिल्ट है मैं बताती हूँ। बेसिकली ये नॉर्मली अर्थ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे टिल्ट है। टिल्ट इज दिस एंगल विच इज 23.5 डिग्री, राइट? ये टिल्ट के हिसाब से, जैसे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है, एक सन की तरफ होता है, एक सन से दूर होता है। जो सन की तरफ है वहां समर या स्प्रिंग चल रहा होगा, जो सन से दूर है वहां विंटर या ऑटम चल रहा होगा। प्लस अपोजिट सीजन होते हैं, जहाँ अगर नॉर्थ में विंटर है साउथ में समर होगा, नॉर्थ में स्प्रिंग है तो ऑटम होगा, समर है तो विंटर होगा, ऑटम है तो स्प्रिंग होगा। ठीक है, जितना दूर हम इक्वेटर से जाएंगे उतनी एक्सट्रीम हमारी वेदर कंडीशंस होती है। अलास्का में जैसे रात के मिडनाइट तक भी सनसेट नहीं करते, दिस इज 8 PM, 9 PM, 10 PM, ये तो जब पर है। बट अगर हम फोटोग्राफी करें ना, ये मिडनाइट पे देखो, होराइजन के नीचे भी नहीं गया, बस नीचे लो चला जाता है। अगर आप मल्टीस्पेक्ट्रल में फोटोग्राफी करेंगे, या कुछ ऐसे शायद कहते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक नीचे ही गिरेगा, पर होराइजन के नीचे नहीं गिरेगा। ये है आपका होराइजन, दिस इज द होराइजन। होराइजन के नीचे गया ही नहीं, सन इज स्टिल विजिबल। फिर 4 AM तक दोबारा आपकी ओरिजिनल लाइट तक आ जाएगा, इनफैक्ट ऊपर आ जाएगा। और विंटर में कई बार ऐसा होता है काफी बीच तक सनलाइट नहीं आती। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आलिया पोर्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स, एंड क्लिक द बेल आइकन टू बी अपडेटेड ऑन वट एवर ट्यूटोरियल्स आई एम पोस्टिंग। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन अबाउट हाउ कैन आई मेक द वीडियो बेटर, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट वाज ऑल, एंड गुड बाय।